हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रेंगल को एडजस्ट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंगल को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी गिरती है तो। अब देखिए, स्ट्रेंगल को जब हम ट्रेड करते हैं तो हम चाहते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी गिरे। जब मार्केट में वोलेटिलिटी गिरेगी तो एक स्ट्रेंगल में हमें प्रॉफिट होगा। तो वोलेटिलिटी का नीचे गिरना एक फेवरेबल आउटकम है जब हम एक स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हैं तो। और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी गिरे तो आपको किस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहिए, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब वोलेटिलिटी नीचे गिरेगी तब तो मुझे स्ट्रेंगल में वैसे ही प्रॉफिट होगा, तो एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। तो देखिए, नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि एडजस्टमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब मार्केट हमारे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है, जब उसमें लॉस आना शुरू हो जाए तब हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। जब ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है उस टाइम पे एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तब भी हमें देखना चाहिए कि ट्रेड में हम किस तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को और इन्हेंस करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एडजस्टमेंट सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेड्स में ही करना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। और वही मैं आज आपको बताऊंगा कि एक स्ट्रेंगल में जब वोलेटिलिटी गिर जाती है उस टाइम पे आप किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को, दैट इज 15th of January को, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आयरन फ्लाई आपको कब ट्रेड करनी चाहिए, एक आयरन फ्लाई में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एक आयरन फ्लाई में। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है, आपको लॉस आता है, तो वहां पे आयरन फ्लाई में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने लॉस को कम कर सकते हो या हटा सकते हो एडजस्टमेंट्स के थ्रू, ये सब कुछ मैं आपको इस वर्कशॉप में बताऊंगा। तो ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर। तो ये वर्कशॉप संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज 15th of January। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेंगल को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे आपको दिखाता हूं कि स्ट्रेंगल में हम किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर और मार्केट अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17859, दैट मींस 17850 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहां पे मान लीजिए मैं एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करता हूं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अभी जो करंट सीरीज है, जो जनवरी सीरीज है, इसमें मैं स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17850, तो 17850 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो इससे लेट से मैं 250 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 250 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और वहां पे एक स्ट्रेंगल को मैं डिप्लॉय करता हूं। तो 17850 से अगर मैं 250 पॉइंट नीचे जाता हूं तो 17600 का मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूं जो कि ट्रेड कर रहा है 99 रुपीज पे। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। उसी तरह से मैं 17850 से 250 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18100 का एक कॉल ऑप्शन सेल करूंगा जिसका प्रीमियम है 139 रुपीज। तो इसका एक लोट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है, जो एट द मनी का लेवल है उससे 250 पॉइंट नीचे का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और 250 पॉइंट ऊपर का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। तो मैंने एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया है और उसकी विड्थ कितनी रखी है, 500 पॉइंट की, 250 प्लस 250 दैट इज 500। तो मेरी विड्थ कितनी है स्ट्रेंगल की, 500 पॉइंट्स की। तो अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट में आपको दिखाता हूं, मैंने 17600 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 18100 का कॉल ऑप्शन सेल किया है और मार्केट एग्जैक्टली बीच में है मेरी प्रॉफिटेबल रेंज के। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 12,000 रुपीज का, और मैक्स लॉस है ये अनडिफाइंड है। जितनी भी ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे स्ट्रेंगल होगी, स्ट्रेडल होगी, इनमें जो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, आपका थ्योरेटिकली अनलिमिटेड लॉस होता है। अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है तो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड होता है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। और मेरी प्रॉफिटेबल रेंज यहाँ पे कितनी है, 17300 से 18300, दैट मीन्स 1000 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। अगर मार्केट इस 1000 पॉइंट के बीच में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसके बाहर अगर मार्केट जाता है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना इस ट्रेड में, 12,000 रुपीज का। तो ये मेरा सेटअप है, ये मैंने स्ट्रेंगल को ट्रेड किया है। अब आप देखिए, जब हम स्ट्रेंगल को ट्रेड करते हैं तो हम वेगा को शॉर्ट करते हैं। वेगा को शॉर्ट करने का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा और मार्केट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। मतलब अभी जो मार्केट में वोलेटिलिटी है, जब मैंने ट्रेड लिया
उस टाइम पे जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, मेरे ट्रेड लेने के बाद वो वॉलेटिलिटी अगर गिरती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर वो वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो मुझे वेगा की वजह से लॉस होगा। तो अब मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती है और मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता है, यहीं पे रहता है, और मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा नीचे जाती है, तो ये मेरे लिए एक फेवरेबल आउटकम होगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन आप वहां पे एग्जिट करके नहीं निकलना चाहते हो, आप इस ट्रेड में रुकना चाहते हो, तो आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही दूसरा कौन सा सिनेरियो है जिसमें आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, आपने एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर लिया है और वो आपने बहुत ज्यादा विक्स में ट्रेड नहीं किया है, एक लो विक्स एनवायरमेंट में आपने ट्रेड किया है और उसके बाद वॉलेटिलिटी को लेके आपका व्यू बदल जाता है, तो आप यहाँ पे किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी नीचे गिर गई है तो आपको वेगा की वजह से प्रॉफिट होगा, तो आपके पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करके और निकल जाइए, और अगर ये प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी हो रहा है और आप इस ट्रेड में और रुकना चाहते हो, तो आपका एक रिस्क है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर चली जाती है तो जो आपको वेगा की वजह से प्रॉफिट हुआ है वो सारा चला जाएगा और आपको वेगा की वजह से लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और उससे क्या होगा, अब अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस ऊपर जाती है तो आपको वेगा की वजह से प्रॉफिट होगा। तो पहले आपको प्रॉफिट हुआ है वॉलेटिलिटी के गिरने की वजह से, और अब अगर यहां से वॉलेटिलिटी वापस ऊपर जाती है तो आपने इस तरह का एडजस्टमेंट कर दिया है कि वॉलेटिलिटी अगर ऊपर गई तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो यह एडजस्टमेंट क्या है, आप अपने स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जनवरी मंथ में ट्रेड किया एक स्ट्रैंगल को, मैंने 17600 का पुट ऑप्शन सेल किया है और 18100 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब इसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसेंटली मैंने जो वर्कशॉप कंडक्ट की थी वो कैलेंडर और डायगोनल्स के ऊपर ही थी, तो जिन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है उनको पता होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम डबल कैलेंडर स्प्रेड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या एज मिलती है, हमारा पे ऑफ चार्ट किस तरह से बदलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए करना क्या है आपको, आपको एक स्ट्रैंगल को डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्राइक आपने सेल कर रखी है करंट मंथ में, सेम स्ट्राइक आपको बाय करनी है नेक्स्ट मंथ में। दैट मींस जनवरी मंथ में मैंने एक स्ट्रैंगल को सेल किया है तो मैं फेब मंथ में जाऊंगा और वहां पे सेम स्ट्राइक के स्ट्रैंगल को मैं बाई करूंगा। तो देखिए ये किस तरह से आपको करना है, मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं, अभी जनवरी मंथ है तो नेक्स्ट मंथ कौन सा होगा, फेब का, तो 23 फेब को एक्सपायरी है तो इसके ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूं और जो स्ट्राइक मैंने सेल कर रखी है सेम स्ट्राइक में फेब में बाई करूंगा। तो 17600 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है तो 17600 का ही मैं पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा, जो कि ट्रेड हो रहा है 252 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। उसी तरह से मैंने 18100 का कॉल ऑप्शन सेल किया है जैन सीरीज में, तो मैं फेब में जाऊंगा और 18100 के कॉल ऑप्शन को बाई कर लूंगा, जो कि ट्रेड हो रहा है 346 रुपीज पे, तो इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, जो मैंने स्ट्रैंगल सेल कर रखी थी जनवरी मंथ में, सेम स्ट्रैंगल को मैंने बाई कर लिया है फेब सीरीज में, तो ये कन्वर्ट कर दिया मैंने एक स्ट्रैंगल को डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और अब ये देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट ये बनता है। अब मेरा जो रिस्क है वो डिफाइंड हो गया है, और ये जो रिस्क और रिवॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सही नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब दो डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड दिखता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, ये मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ चेंज होता रहेगा, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह का बनता है, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक स्ट्रैंगल को डबल कैलेंडर स्प्रेड में। अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि अब यहाँ से अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट किससे होगा, वेगा से। वॉलेटिलिटी जितनी ऊपर जाएगी उतना ही आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। और दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे जैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी बढ़ता जाएगा, आपका मैक्सिमम लॉस है ये भी कम होगा, और आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है, जो ब्रेक इवन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये भी एक्सपेंड होते जाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप एक स्ट्रैंगल को कन्वर्ट कर सकते हो डबल कैलेंडर स्प्रेड में, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी गिर चुकी हो तब। और ये आपको कब करना है, जब आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो वहां पे वॉलेटिलिटी गिर जाती है, आपकी स्ट्रैंगल है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। तो उससे होगा क्या, गिरती हुई वॉलेटिलिटी की वजह से भी आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस ऊपर जाती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा।
मतलब वोलेटिलिटी गिरी तो भी आपने उसको कैपिटलाइज किया और वोलेटिलिटी वापस ऊपर गई उसको भी आपने कैपिटलाइज किया। तो आपने एक एडजस्टमेंट करके और दोनों मूव्स को कैप्चर कर लिया है, दोनों तरफ आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो एक स्ट्रैंगल में। तो चलिए ये था वो एडजस्टमेंट जो आप एक स्ट्रैंगल में कर सकते हो अगर आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी गिर जाती है और मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है, तो सबसे अच्छा सिनेरियो होता है जहां पे ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कमिंग संडे को दैट इज 15th of January को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाली है आयरन फ्लाई के ऊपर, जहां पे मैं आपको आयरन फ्लाई के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए, आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होती है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी तरह के डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।